विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, उस काम में लग गए हैं, चुनाव में लगते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाते हैं सब, फिर उत्सव मनाते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है, उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसके खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पूंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए आपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूं ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहां 5 है, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कहां उठेंगे? क्या कर रही है सरकार? और संसद चलने नहीं देते? अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे, हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए, तो हमको निलंबित कर दिया संसद से। अब हम ये पूंछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, लोग खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता। सवाल मत पूछो, ये कौन सी लोकशाही है, ये कौन सा लोकतंत्र है? सर, अभी बात करें लोकसभा के बाद राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिल पास किए गए, वहीं अमित शाह ने कहा जो पहले चलता था तारीख का तारीख वो खत्म हो जाएगा। अरे तारीख पे तारीख तो चलता ही रहेगा, जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है। सबसे बड़ा क्राइम इस महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरह से विधायक को तोड़कर फोड़कर खरीदकर एक सरकार बनाई है, गैरकानूनी संविधान के खिलाफ, वो तारीख पे तारीख चल रही है ना। आप उस बारे में बोलो, वो भी क्राइम है। तारीख पे तारीख की बात मत करिए, जब आपकी आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता है। सर, बात करते हैं राम मंदिर का, 22 तारीख को भव्य तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को, VIP लोगों को निमंत्रण दिया गया, हालांकि शिवसेना का बड़ा योगदान था राम मंदिर को लेकर, लेकिन अभी तक निमंत्रण क्या? देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। निमंत्रण नहीं आया अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो, तो देश में आज जो हो रहा है, पूंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रहे, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। अगर निमंत्रण नहीं आता, शिवसेना क्या राम मंदिर उद्घाटन में जाएगी? देखिए, राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है राम मंदिर। अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है, लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहां,
और रामलला का दर्शन भी लेंगे और रामलला हमें आशीर्वाद भी देगा। क्या है मायावती ने सर बड़ा स्टेटमेंट दिया, हालांकि इंडिया लैंड गठबंधन के लिए कभी भी सवाल बना है मायावती गठबंधन में शामिल हुई है या नहीं हुई, उसके उनके बाकी मायावती का बयान आया है कि देश हित के लिए वो कभी भी जा सकते। देखिए मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से लेता हूँ बहन जी का बयान। बहन जी के बारे में तरह तरह के अफवाह लोग उड़ा रहे थे। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। तो मायावती जी ने यानी बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है। पार्लियामेंट में जिस तरह से एमपी को सस्पेंड किया गया वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने कल ही कहा जिस तरह से हम सबको निकाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वामपंथी हो, जिस तरह से निकाला है उनकी मांग क्या थी कि चर्चा करिए। जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है, बेरोजगार युवक घुस गए तो उसके ऊपर चर्चा करना चाहता, हमको निकाल दिया, सबको निकाल दिया ना, तो क्या ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? ये ठोक तंत्र से भी ऊपर बन गया आप ये लोग। देखिए इसीलिए तो हमको निकाला गया ना सदन से कि कोई विरोध न करे, वो विरोध नहीं चाहते, इसलिए तो सबको निकालकर वो पूरा संसद का और लोकतंत्र का शमशान घाट बना दिया है, बस। और उनके ऊपर लोग राज कर रहे हैं। राहुल सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, भारत की कुश्ती पहलवान जो है साक्षी मलिक, उन्हें कल रेसलिंग में ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इसी सवाल ये था ब्रिजभूषण सिंह को लेके कुछ महीने पहले कुश्ती महासंघ में जो राजनीति चलती है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और कुश्ती को अलविदा कहा है वो तो देश के लिए पीड़ादायक है। अतः बोला शिवसेनेला माननीय उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण नाही, यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा निमंत्रण दिलं नसतं, कारण हे श्रेय घेण्याचा राजकीय चढाईचा एक भाग बनलाय राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा। अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यात शिवसेनेचं योगदान फार मोठं आहे, हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मोठं आहे। थंड्या बस्त्यात पडलेला प्रश्न उद्धव ठाकरे तिथे गेल्यामुळे परत एकदा त्याची नस्ती सुटली, पण आम्हाला ते बोलवणार नाहीत। याचं कारण असं आहे की उद्धव ठाकरे तिथे गेले तर तिथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा जय जयकार होईल, बाळासाहेब ठाकरेंचा जय जयकार होईल, उद्धव ठाकरेंचा जय जयकार होईल। त्याच्यामुळे ज्यांचं योगदान आहे त्यांना ते सन्मानानं कधीच बोलवणार नाही, पण अर्थात प्रभू श्रीराम हे सगळ्यांचे आहेत, ते एका राजकीय पक्षाचे किंवा एका नेत्याची जागीर नाही। त्यांचा राजकीय सोहळा होऊन जाऊ द्या, मग आम्ही धार्मिक उत्सव जाऊन करू।